अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवर इंग्लिश लेक्चर टुडे एंड द चैप्टर इज़ चैप्टर 9। टॉपिक इज़ प्रेयर। प्रेयर मीन दुआ मांगना, दुआ। तो हम किससे दुआ मांगते हैं ये तो हमें पता है, हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। ये पोएम है, ठीक है, और ये मिस्टर अथर ताहिर ने राइट की है। चलें लेट्स रीड द पोएम। देयर इज़ आई नो नो नीड फॉर दिस, नो नीड। देयर इज़ आई नो, आई नो मैं जानता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। फॉर दिस नो नीड, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। टू से, ये कहने की। इन द मानसून नाइट, मानसून की रात में, मानसून की रात में ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं। शो मी द स्ट्रेट वे, कि मुझे सीधा रास्ता दिखा। अब वो दुआ मांग रहा है अल्लाह ताला से कि ए अल्लाह मुझे सिराते मुस्तकीम यानी सीधे रास्ते पर चला। ये जो लाइंस हैं ये अभी हम रीड करेंगे, ये हमारी जो लाइंस हैं ये दुआ है। और आपको पता है कि सूरतुल फातिहा में ये लाइंस आती हैं, ये जो मैं अब लाइंस पढ़ूंगी ये सूरतुल फातिहा में भी आती है। हमारी पूरी सूरतुल फातिहा जो है वो पूरी की पूरी एक दुआ है, ठीक है। अब ये मैं पढ़ती हूँ दोबारा। शो मी द स्ट्रेट वे, ए अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, सिराते मुस्तकीम दिखा। द वे ऑफ दोज, उन लोगों का रास्ता। टू होम यू हैव गिवन योर ग्रेस, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना फजलो करम किया, अपनी रहमत की। नोट ऑफ दोज, उन लोगों का नहीं। हु अर्न योर एंकर, जिन पर तेरा गज़ब हुआ या जिन पर तू गुस्सा हुआ। नोट ऑफ दोज, और ना ही उन लोगों का रास्ता। हु गो एस्ट्रे, जो के गुमराह हुए, जो रास्ते से भटके, ठीक है। ए अल्लाह मुझे सिराते मुस्तकीम दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तुमने अपना फजलो करम किया, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा गज़ब हुआ, और ना ही उनका रास्ता जो गुमराह हुए। बट वेन द विंड मेक नॉइज इन द मैंगो ट्री, लेकिन जब तेज़ हवा आम के दरख्तों में शोर मचाती है। एट द फ्रेंजिपैनी होल्ड आउट इट्स येलो रिचनेस, फ्रेंजिपैनी कहते हैं चमबेली के फूल को, पौधे को। और जब चमबेली फैला देती है अपने जर्द फूलों की खुशबू, येलो रिचनेस जर्द फूलों की खुशबू। आई से दिस, तो मैं दुआ करता हूँ, नॉट टू रिमाइंड यू, यू मैंने अल्लाह ताला को कहा है उन्होंने कि तुम्हें याद करवाने के लिए नहीं, अल्लाह ताला को कह रहा है कि आपको याद करवाने के लिए नहीं। ऑफ मी, अपने बारे में, बट माई सेल्फ, बल्कि अपने आप को मैं याद दिलाने के लिए ये दुआ करता हूँ। ऑफ दिस एंड ऑल ऑफ यू, इसके बारे में और तेरी तमाम करता तमाम नेमतों के बारे में जो तूने मुझे अता की, ठीक है। ये दुआ है हमारी, ये हमारी पोएम थी, ठीक है। अब आप इसकी एक्सरसाइज में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एक के पिक आउट द रिपीटेड वर्ड्स ऑफ द पोएम, रिपीटेड वर्ड्स जो बार बार रिवाइज हुए हैं इस पोएम में वो वर्ड्स बताएं। तो मैंने ये अंडरलाइन किए हुए हैं, डबल अंडरलाइन। देखें, नो नीड, ये रिपीट हुआ है वर्ड। वे रिपीट किया गया है, और उसके अलावा नोट ऑफ दोज ये रिपीट किए गए हैं। आप भी इनको अपनी बुक पे बुक मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा आपकी ये समरी है, आपने पोएम को अच्छी तरह रीड किया है, इसके बाद आप इसको समराइज़ करें, पैराग्राफ की सूरत में इसकी समरी राइट करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।